Look, it's a flyers, God of Year, और मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सन के सबसे पास है। वो हर दिन 430 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर फेस करता है, जिसे अगर अर्थ के एवरेज तापमान से कंपेयर किया जाए तो वो 28 टाइम्स ज्यादा है। यस, 28 टाइम्स। तो क्या होगा अगर हम ह्यूमंस मर्क्यूरी के इस तपते गोले में कदम रखे तो? लेकिन प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स के पास कोई सरफेस ही नहीं है, क्योंकि वो हीलियम और हाइड्रोजन के घने क्लाउड से बने हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन प्लैनेट्स के क्लाउड्स में एक साइड से डाइव मारते हुए दूसरे साइड से निकल सकते हैं क्या? और ब्लैक होल जो आज तक हमारे लिए एक मिस्ट्री है, क्या उसमें एंटर करते ही हम इंटरस्टेलर मूवी की तरह इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर पाएंगे, या फिर ब्लैक होल में जाने का अंजाम कुछ और ही होगा? इन्हीं सारी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है अलग अलग ग्रहों में इंसानी शरीर का क्या हाल होगा। So friends, let's begin with Mercury. Mercury, जो हमारे सोलर सिस्टम में सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, बट ताजुब की बात यह है कि सन से इतना क्लोज होने के बावजूद भी वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि अगर उसके एग्जोस्फियर की बात करें तो मर्क्यूरी में लगभग कोई एटमोस्फियर ही नहीं है। वैसे तो ये एग्जोस्फियर एटॉमिक ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे मिनरल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना थिन है कि मर्क्यूरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने सी लेवल के प्रेशर से 1 ट्रिलियन टाइम्स कम है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी के पास सन की गर्मी रिटेन करने का कोई तरीका नहीं है, और फिर उस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। और एक्सट्रीम से मेरा मतलब है मर्क्यूरी के सन फेसिंग साइड का तापमान 430 डिग्री जितना हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम दूसरे साइड पर टेम्परेचर -173 डिग्री तक चला जाता है। अब अगर ऐसे कंडीशन में कोई ह्यूमन मर्क्यूरी पर कदम रखता है तो सबसे पहले तो वहां की ग्रेविटी में चेंज महसूस करेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होते हुए मर्क्यूरी की ग्रेविटी 38% ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी है। एंड माइंड यू, दिस इज सिमिलर टू मार्स, इवन दो मर्क्यूरी मार्स से भी छोटा है साइज में। लेकिन ये ग्रेविटी हमारे कुछ काम की नहीं, क्योंकि जैसे ही हम मर्क्यूरी पर पैर रखेंगे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से या तो हम फ्रीज हो जाएंगे या फिर एक झटके में ही ऐश के कार्बन का ब्रिक बन जाएंगे। और उस 2 मिनट की भी एक कंडीशन है कि उस 2 मिनट तक हमें अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखना होगा, वरना ब्रेथलेसनेस से हम मर जाएंगे। So, Mercury is not that inviting to us. चलिए देखते हैं वीनस की मेहमान नवाजगी कैसी होगी। वीनस हमारे अर्थ की ट्विन सिस्टर है, और उसे ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका साइज, कॉम्पोजिशन काफी हद तक अर्थ के सिमिलर है। वैसे तो वीनस का सरफेस थिक क्लाउड से घिरा हुआ है, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए मैगेलन स्पेसक्राफ्ट से ये पता चला है कि वीनस का सरफेस माउंटेन्स, क्रेटर्स और हजारों वोल्केनोस से बना हुआ है। लेकिन वीनस के इस अर्थ लाइक स्ट्रक्चर से धोखा मत खाना, क्योंकि वीनस पर चलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। याने, what you see is not always what it actually is. इसीलिए आपको किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमेशा चीजों को हर एक पहलू से जानना और समझना जरूरी होता है, जो आप 2 तरीकों से कर सकते हो। या तो आप गलतियां करते करते सीख सकते हो, या फिर आप दूसरों की गलतियों से, उनके एक्सपीरियंसेस से ऑटोमेटिकली सीख सकते हो, जिसका सबसे आसान रास्ता है लोगों की बायोग्राफीज को स्टडी करना। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो लैंग्वेज के चलते ऐसा नहीं कर सकते, मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुकू FM ऐप, जहां पर आपको हिंदी जैसे लैंग्वेज में ऑडियो बुक्स मिलते हैं। फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला टू जैक मा एंड इवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हर किसी की बायोग्राफी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे सकते हो। यही नहीं, 4.5 प्लस रेटिंग वाले इस ऐप पर आपको 1000 प्लस आवर्स ऑफ ऑडियो बुक लाइब्रेरी मिलेगा। यहाँ पर आपको बुक समरीज भी मिलेंगे जो आपका टाइम और ज्यादा सेव करेंगे, और यहाँ पर बुक्स आपको सारे जॉनर्स के मिलेंगे, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर डेवलपमेंट, फाइनेंस, लिटरेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सब आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या फिर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोड GS50 यूज करोगे, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में। दिस मे बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप इस ऐप को वाकई में कंज्यूम करोगे तो। So click on the link in the description and go hurry now, it's only for first 250 users. Runaway greenhouse gases aur water evaporation ke karan Venusian surface completely dry ho chuka hai, aur uske thick heat trapping carbon dioxide atmosphere ki wajah se planet ka temperature 465 degree celsius rehta hai, jo earth ke atmospheric temperature se 33 times zyada hai. Itna temperature jisme lead tak pigal jayega. To imagine karo insaan ki kya halat hogi. इस सब में वीनस पर एक बात तो अच्छी है, जो है उसकी ग्रेविटी,
अर्थ की ग्रेविटी का 91% ग्रेविटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस वजह से हमें उस पर ज्यादा कुछ ग्रेविटेशनल डिफरेंस महसूस नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो हमें एक्सपीरियंस होगी वो है इसकी डेंस एटमॉस्फेयर। वीनस का एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है, और ये क्लाउड्स इतने डेंस है कि अगर हम आम को मूव करने की कोशिश भी करें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर होगा कि जैसे हम समुन्द्र में 3,000 फीट नीचे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्थ का सी लेवल प्रेशर 14.5 pounds per square inch है, यानी कि एक बार जितना, उसी जगह वीनस पर वही प्रेशर 92 bars जितना है। अब इतना डेंस एटमॉस्फेयर हमें वीनस पर खड़े होने के पहले ही क्रश कर देगा। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से रॉटन एग्स जैसा आने वाला डेंस स्मेल अलग बात। वीनस के ऐसे हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सिर्फ 1 second के अंदर ही हम वेपराइज हो जाएंगे, मतलब यहां भी हमारे टिकने के चांसेस इज 0.00%। और इसीलिए मुड़ते हैं सोलर सिस्टम के ऐसे प्लैनेट्स पर जिनका कोई सरफेस ही नहीं है। Yes, I'm talking about the gas giants of our solar system, Jupiter and Saturn. Well, ये दोनों planets hydrogen और helium के gas से बने हुए, और इसीलिए उन planets पर उतरना, यानी कि clouds पर पैर रखने जैसा है, which is practically not possible. तो क्या हम Jupiter के clouds में dive मारते हुए एक side से घुसकर दूसरे साइड से निकल सकते हैं? Well, नहीं, क्योंकि हम उनका आधा हिस्सा पार करने के पहले ही विलुप्त हो जाएंगे। कैसे? Well, बताता हूँ। पहली बात तो जुपिटर और सैटर्न दोनों के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं है, और इसीलिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करते हुए हम जुपिटर के क्लाउड्स में अगर डाइव मारते भी है तो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम 110,000 miles per hour की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2.4 times ज्यादा है। इतने स्पीड से एक्सेलरेट होने के कारण हम बेहोश हो चुके होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से 40 miles per hour की स्पीड ही हैंडल कर सकता है। अब इस स्पीड से जब हम जुपिटर के डेंस एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो वो फोर्स किसी वॉल को जाके टकराने के जैसे होगा, जिससे आपकी सारी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। और फिर 3 minutes के अंदर ही जब हम 250 kilometers नीचे तक आ जाएंगे तो 300 miles per hour की स्पीड से हमें एक बॉल की तरफ फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जुपिटर सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, जिस वजह से वहां पर विंड्स की स्पीड 300 miles per hour है, यानी कि अर्थ पर आने वाले टोर्नेडो और हरिकेन से भी ज्यादा तेज। इतने विंड स्पीड के साथ हम पर अर्थ के सर्फेस से 100 times ज्यादा प्रेशर फील होगा, जो 695 kilometers नीचे 1,150 times ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतना हाई प्रेशर ह्यूमन सिर्फ ट्राइस्ट सबमरीन, जो कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट डाइविंग सबमरीन है, उसी के साथ झेल सकते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्शन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक बार जब हम 4,025 kilometers नीचे पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर 6,100 degrees Fahrenheit जितना होगा, जो टंगस्टन को पिघलाने जितना होता है, जो यूनिवर्स का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, जिसकी वजह से ट्राइस्ट सबमरीन भी हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के प्लैनेटरी साइंटिस्ट रॉबर्ट पेपालार्डो के कैलकुलेशंस के अनुसार भी जुपिटर जैसे गैस प्लैनेट्स में एंटर करते ही उसके लिक्विड हाइड्रोजन का वेट हमें लिज्जत पापड़ की तरह बेल के रख देगा। और जुपिटर का भाई सैटर्न भी हमारा ऐसा ही कुछ हाल करेगा। और अगर आप उसके रिंग्स को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं उसके रिंग्स मेनली आइस चंक्स के बने हुए हैं, जो साइज में सैंड ग्रेन से लेकर एक बड़े बिल्डिंग जितने हैं, जिसकी वजह से रिंग्स का टेम्परेचर -261 degrees Fahrenheit से -333 degrees Fahrenheit जितना होता है। और इसीलिए अगर किसी को आइसक्रीम बनने का शौक है तो वो बेशक सैटर्न के रिंग्स को घुमाने के बारे में सोच सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लैनेट्स तो हमें कुछ खास रास नहीं आए, अब देखते हैं इन्हीं प्लैनेट्स के मून्स का क्या हाल है। क्या होगा अगर इंसान इन्हीं प्लैनेट्स के मून्स पर जाए, तो क्या वो इन प्लैनेट्स से ज्यादा वेलकमिंग है? वेल, जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, और JPL के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्टीव वैंस अनुसार अपने लो रेडिएशन लेवल, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी और लार्ज अमाउंट ऑफ आइस वाटर के साथ जुपिटर के कुछ मून्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। और तो और नासा के साइंटिस्ट अनुसार जुपिटर का मून यूरोपा इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि उसके बर्फीले सतह के नीचे ओशन है, जिससे वो न्यू लाइफ खोजने के लिए सोलर सिस्टम की सबसे अच्छी जगह बन जाती है। अब हमारे मून पर तो हम ज्यादा से ज्यादा 30 seconds तक जिंदा रह सकते हैं, तो क्या यूरोपा पर भी हमारा वही हाल होगा? वेल, काइंड ऑफ यस।
सन और जुपिटर से आने वाली रेडिएशंस के साथ साथ यूरोपा पर हमें -160 डिग्री सेल्सियस से -220 डिग्री सेल्सियस के चिलिंग वेदर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनसे भी सबसे बड़ा खतरा होगा हमें आइस क्वेक्स का। ये अर्थ पर आने वाले अर्थक्वेक्स की तरह ही है, लेकिन इस बार बस बर्फ के टच के साथ। ऊपर से यूरोपा में कोई एटमोस्फियर ही नहीं है, उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 13% है, और वहां पर आए दिन स्मॉल मीटियोराइड्स या स्पेस पार्टिकल्स टकराने का खतरा भी होता है, क्योंकि आपको पता है आसपास जुपिटर और एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और इसीलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस मून पर भी शायद ही हम कुछ सेकंड्स के लिए जिंदा रह पाएंगे, और अगर कुछ जुगाड़ कर थोड़ा ज्यादा समय हमने वहां पर निकाल भी लिया तो जुपिटर और सन से आने वाले रेडिएशन हमें फ्राई कर देंगे, because there is no atmosphere, don't forget. Now, सोचने वाली ये बात है कि सन सिर्फ 780 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बाद भी हम उसके रेडिएशन की वजह से जल रहे हैं, तो क्या हम सन जैसे स्टार के आसपास भी जा सकते हैं? Well, हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री फारेनहाइट से भी ज्यादा होता है, जो किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करने की ताकत रखता है, और इसीलिए तो उस पर मौजूद सारे कंपोनेंट्स प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। ऊपर से ये सरफेस टेम्परेचर तो सन का कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, तो सोचो कि उसके कोर का तापमान कितना ही होगा, जिसकी वजह से सन जैसे येलो ड्वार्फ स्टार तक पहुंचने से पहले ही ह्यूमंस रोस्ट हो जाएंगे। नासा के इंजीनियर राल्फ मैकनट के अनुसार अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम डीप स्पेस को विदस्टैंड कर सके। आज का स्टैंडर्ड स्पेस सूट 248 डिग्री फारेनहाइट तक की हीट तक की एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे सन के 48,28,032 किलोमीटर दूर से ही हमें इतनी हीट महसूस होगी कि सूट एक क्लोज फिटिंग सोना की तरह एस्ट्रोनॉट के बॉडी पर चिपक जाएगा, और फिर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाएगी। बट अगर येलो ड्वार्फ के पास हम नहीं जा सकते तो हम उससे थोड़े ठंडे स्टार जैसे कि ब्लैक ड्वार्फ के पास जा सकते हैं क्या? वेल, ब्लैक ड्वार्फ का डायमीटर और मास सन जितना ही होता है, लेकिन उसका सरफेस टेम्परेचर 326 डिग्री सेल्सियस से 268 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। वैसे तो ब्लैक ड्वार्फ कोई भी लाइट एमिट नहीं करता, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन जरूर एमिट करता है, जो कि विजिबल लाइट नहीं होती, और इसीलिए हमें वो ब्लैक दिखाई देता है। और उसके स्मॉल साइज और हाई मास की वजह से ब्लैक ड्वार्फ की डेंसिटी बहुत हाई होती है, सन के डेंसिटी से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा। इतना ही नहीं, उसकी सरफेस ग्रेविटी भी अर्थ के सरफेस ग्रेविटी से मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट ब्लैक ड्वार्फ पर लैंड ही नहीं कर सकता, वो लैंड करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि हमने जैसे तैसे एडवांस्ड कैलकुलेशन लगाकर लैंड कर भी लिया, तो लैंड होते ही एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से हम उसमें ग्लू की तरह चिपक जाएंगे, और ह्यूमन बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ब्लैक ड्वार्फ के ग्रेविटेशनल पुल को रेजिस्ट कर सके, और फिर वहीं पर लेटे लेटे हाई रेडिएशन और लैक ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी तुरंत मौत हो जाएगी। अब अगर ब्लैक ड्वार्फ की ग्रेविटी ही आपको इतनी हाई लग रही है, तो जस्ट इमेजिन ब्लैक होल में आपका क्या हाल होगा। वेल, ब्लैक होल एक काफी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इससे लाइट तक बचकर बाहर नहीं निकल सकती, और उसके इसी मिस्टीरियस नेचर की वजह से उसका तापमान भी काफी मिस्टीरियस है। अंदर से वो फ्रीजिंग कोल्ड हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम बाहर से वो सन के गर्मी से 100 मिलियन टाइम ज्यादा गर्म हो सकता है, और अगर गलती से भी हम ब्लैक होल के पास गए तो उसके इवेंट होराइजन के कॉन्टेक्ट में आते ही ग्रेविटेशनल पुल से हम ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे। लेकिन ये एडवेंचर इंटरस्टेलर मूवी जैसे हमें किसी फॉरेन गैलेक्सी में नहीं लेके जाएगा, बल्कि इस पर खुसते ही हमारी मैगी बन जाएगी। नासा के साइंटिस्ट अनुसार ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आते ही हमारी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन से स्ट्रेच हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कंप्रेस होगी, बिल्कुल एक टैफी कैंडी की तरह, जिससे हम एक ह्यूमन हेयर से भी ज्यादा पतले नूडल में स्ट्रेच हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। मतलब अगर स्पेगेटी बनने से दूर रहना है तो हमें ब्लैक होल को भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, इतने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग कितने ज्यादा डैम लकी है। अर्थ पर लाइक मिलियंस ऑफ थिंग्स राइट होने की वजह से यहाँ पर लाइफ जन्म ले पाई, और शायद इसी पीस हार्मनी और वेल बैलेंस स्ट्रक्चर को ही हम भगवान कह सकते हैं, बिकॉज इसी की वजह से तो हमारा जन्म हो पाया, एंड दैट शुड मेक अस अप्रिशिएट लाइफ इवन मोर। आपको नहीं लगता फ्रेंड्स ये लाइफ कितनी प्रीशियस है?
So, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, Get Set Fly Science चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। And now coming back to Venus and its structure, और our friends Kuku FM app को डाउनलोड करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और यूज करो कूपन कोड GS50 ₹199 में इस ऐप का सब्सक्रिप्शन पाने। ऑफर वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स, सो हरी अप नाउ। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, keep learning and keep growing. Jai Hind.